तो हेलो गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आ गए दोबारा से कहां पे? फ्लो बीट्स, जो कि इनको ऑडियंस क्या बोलती है, बेस के राजा, मतलब किंग ऑफ बेस, फ्लो बीट्स। ठीक है, तो भैया इस बारी मतलब सबसे पहले तो आप लोकेशन बताओ, किसी भाई को आना पड़ेगा तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा रहने वाला है। सबसे बेस्ट तो है कि गूगल मैप के ऊपर अपनी लोकेशन सर्च कर लो, फ्लो बीट्स के नाम से सीधा मेरी लोकेशन आ जाएगी। नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर लो। उसके अलावा R87 रविनगर एक्सटेंशन गली नंबर 4 लैंडमार्क केशवपुर सब्जी मंडी गेट नंबर 1 है। और इसके अलावा जो है सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन है ब्लू लाइन, वहां पर जो है आप आके हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, वहां से जो है आप लोकेशन डालिए, सीधा मेरी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो भाई फुल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो भैया आज इस वीडियो में मतलब क्या नया कर रहे हो? हर बारी तो नया करते हो, तो इस वीडियो में भी नया क्या कर रहे हो? इस वीडियो के अंदर आपको जो है दिवाली के सरप्राइज देंगे, गिफ्ट देंगे। आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है हम गिव अवे करने वाले हैं, वो कब करेंगे वो आपको बताएंगे, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर होगा। और बाकी हीरा 4 प्रो की टेस्टिंग देंगे आपको, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पार्टी बॉक्स पड़ा, उसके बारे में डिटेल देंगे आपको सारी, और बेस से आपको रूबरू कराएंगे जो हमेशा करते हैं। ठीक है, तो भाई जैसा कि मतलब भैया हमेशा नया करते हैं तो इस बारी भी कर रहे हैं, कोई अपनी वीडियो में 15 प्रो मैक्स, वो भी भाई इतनी बड़ी सीरीज, ऐसे कोई नहीं करता गिव अवे, बट फ्लो बीट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, चलते हैं वीडियो में आगे। चले भैया, तो भाई लोग कोई भी भाई जो भी स्पीकर लेने चाहता है, जो भी स्पीकर टावर का दीवाना है, तो भाई मैं एक बंदे से आपको मिलवाऊंगा जो कि बहुत ट्रस्टेबल है और जो भाई बेस से रूबरू करवा लेता है। उसकी बेस इतनी खतरनाक है ना, मतलब कांच दरवाजे खिड़कियां सब तोड़ देता है। तो वन एंड ओनली फ्लो बीट्स। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो कैसे हो भैया? मैं बढ़िया, आप बताएं कैसे? हम भी बढ़िया। तो इस बारी मतलब कहाँ से मतलब रूबरू करवा रहे हो? यहाँ वही बेसिक मॉडल हम लोग जो करवाते हैं, आपको यहाँ देख पा रहे हैं 2000 रुपए का टावर स्पीकर, जिसके अंदर आपको 1.5 इंच वूफर मिल जाता है, 3-3 इंच के दो स्पीकर मिल जाते हैं सामने, जहाँ से आपको वोकल्स और बीट्स आती है। 24 इंच हाइट के अंदर यहाँ आपको RGB लाइट्स मिल जाती है, पेन ड्राइव का फीचर यहाँ रहेगा, यहाँ माइक लगा पाएंगे। इसके अलावा ये बेस का कंट्रोल आपको मिल जाता है, बहुत परफेक्ट सिस्टम है, ओपन में चला लीजिए, बेस नहीं फटेगा। क्योंकि ज्यादातर आप देखते हैं बेसिक मॉडल जब लोगों का होता है उसमें बेस फटता है या साउंड बिल्कुल बेकार होता है, मगर यहाँ आपको 4 IC के अंदर बेसिक मॉडल बनाया। देखिए, अगर आप अपनी जड़ों से मजबूत है तो आप ऊपर तक जाते रहेंगे, तो आपको जड़ें आपकी कोई हिला नहीं पाएगा, यही मेरी जड़ है। यहाँ पर अगर मैं मजबूत हूँ तो आगे तक जाते जाते जो है हर कोई समझेगा कि हाँ भी कोई हमें हिला नहीं सकता और हमारे में दम बना रहेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि बेसिक चीजों में अगर आपने पूरा उसको फाइन तरीके से बनाया है, तभी आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी अपने आप को जो है मेंटेन रख पाएंगे। यही मैंने अपने ब्रांड के साथ किया है, मैंने बेसिक मॉडल को ही ऐसा बना दिया है कि इसी से मेरी पहचान बनी रहे, इसी से जो मैं आगे बढ़ता जाऊं। ये 4 IC के अंदर यहाँ पर मैग्नेट जो है 80 लगी है, 70 नहीं लगी, सामने स्पीकर्स भी टॉप क्वालिटी के लगे ताकि आपको वोकल्स बढ़िया आए, बेस और साउंड फटाफटा ना आए। इसके अलावा ट्रांसफार्मर जितनी जरूरत है उतना उसको एम्पेयर दिए हैं मैंने, ये सस्ता या 150 बचाने का काम नहीं किया, मैं 100 रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले लूंगा पर क्वालिटी के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 20, 50, 100, 150, 200 कस्टमर नहीं चाहिए, मुझे 10 कस्टमर चाहिए, मगर वो ऐसे होने चाहिए कि जब वो आगे किसी को मेरा रेफरेंस दें, जब वो रेफरेंस मेरे पास आता है तो मुझे लगता है कि वाकई फ्लो बीट्स ने एक मुकाम हासिल किया है, और आज ऐसा हुआ भी है। अगर आज हम नंबर 1 पर हैं तो ये अपनी क्वालिटी की वजह से है, नहीं तो हम भी जो है नॉर्मल सिस्टम बेचते रहते हैं और हम भी एक कोने में कहीं पड़े होते हैं। तो यहाँ प्राइस की बात करें तो 2000 रुपये आपको प्राइस मिल जाता है हमारे नेकलाइट मॉडल का। इसके बाद अगला मॉडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ देख पाएंगे 017 मॉडल, जिसके अंदर आपको 72-65 IC मिल जाती है, जिसके अंदर 4 इंची मीटर एंड 4 इंची मीटर, और यहाँ पर आपको जो है 8 इंची सबवूफर मिल जाता है 90 मैग्नेट के अंदर। अब बात आती है मैं मैग्नेट क्यों आपको बार बार बताता हूँ, देखिए बहुत जरूरी है इन चीज़ों को समझना कि जहाँ 10 इंची के अंदर आपको जो है 90 मैग्नेट मिलती है, आपको जो है आगे बढ़ेंगे 8 इंची के अंदर, 12 इंची के अंदर 90 मैग्नेट दी जाती है, आप साइजों में उलझा दिए जाते हो, आपको बोलता है यार वो 10 इंची का इतना महंगा दे रहा है, मेरे से ले जाओ 10 इंची का, मगर इसके अंदर कई जगह कॉम्प्रोमाइज होता है, जैसे मैग्नेट हल्का होना या फिर जो है बूफर की क्वालिटी का लो होना, वो जो है लोकल देसी बने होते हैं, उसके अलावा जो है पीछे ट्रांसफार्मर हल्का लगा होता है, सर्किट के नाम पे सिर्फ एक छोटी सी हीट सिंक की जगह पत्ती सी लगा दी जाती है, और ट्रांसफार्मर तो मैंने आपको बताया ही हल्का, और भी कई जगह कॉम्प्रोमाइज किया होता है, तो बचे उन चीजों से। यहाँ आपको 017 मॉडल 72-65 IC में, 20-50 IC में ना देके 72-65 IC में दे रहा हूँ, और 24 इंच हाइट के साथ साथ जो आपको डीप बेस मिल रही है, एक रूम के अंदर पार्टी करना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है, मात्र आपको मिल जाएगा 3300 रुपए के अंदर। अगर इससे भी ऊपर आपका बजट है तो 1, 2 और ये 3 मॉडल आपको मिल जाएंगे 3300 के। अगर आपका बजट इससे भी ऊपर है तो डबल मेरे से ले लीजिए। यहाँ पर आपको देखिए, अब यहाँ गेम चेंज हो रही है थोड़ी सी, ये आपको रोलिंग बेस के अंदर मिल जाता है,
अब आपको रोलिंग बेस के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक यूथ जो आता है अपनी एज के अंदर, बेस से उसे बहुत प्यार होता है, जैसे मुझे भी है, मुझे भी था पीछे भी। अगर मैं अपनी बात करूँ टीन एज में, तो मुझे बेस से बहुत प्यार था। हम गाड़ियों के अंदर बैठ के स्पेशली डेढ़ डेढ़ घंटा जो है बेस साउंड सुनते थे, तो वो फील घर के अंदर लेना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि 50-60 हज़ार खर्च करना नॉर्मली नहीं है, एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक साउंड सिस्टम के ऊपर आप 40-50 हज़ार खर्च कर रहे हो। घर के अंदर दो आप एम्प लेके आए हो, दो आप बेस ट्यूब लेके आ रहे हो, कंपोनेंट्स लगा रहे हो, तो ये सारे एक्सपेंस मिला के जो है आपके 40 हज़ार तक चले जाते हैं। और वहां मैं आपको वही सेम बेस की फील आपको मात्र 5200 रुपए के अंदर देता हूँ। यहाँ पर आपको जो है हमारा ब्लैक डायमंड मिल जाता है, जो ड्यूल टावर रहने वाले कंट्रोल इसके ऊपर मिल जाते हैं, 72-65 नहीं, 20-50 नहीं, 20-30 नहीं, 72-94 आईसी के अंदर आपको देता हूँ। यहाँ पर 6-6 इंची के अंदर 90 मैग्नेट है, और यहाँ पर थोड़ी सी आपको चीजें दिखाना चाहूंगा। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो देखिए वायर जहां पर आपको पतली सी मिलती है, देखिए यहां मैं कितनी हैवी वायर देता हूं। कनेक्टर सिस्टम आपको साथ में देता हूं, यहां माइक का सपोर्ट, माइक भी साथ में देता हूं। माइक को रखने के लिए मैंने आपको होल्डर भी दिया है, ताकि माइक कहीं आप गुम ना कर दे। सिंगिंग करना चाहते हो तो बेस्ट चीज है, और इसके अलावा हमिंग आपको नहीं मिलेगी इसके अंदर। लोअर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो सिर्फ और सिर्फ फ्लो बिट्स में मिलती है, स्लो वॉल्यूम के अंदर बेस। आप जो है घरों के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप सुनते हो वॉल्यूम अपना 30%, 20%, मतलब फुल वॉल्यूम के अंदर आप कभी कभी सुनते हो, मगर स्लो वॉल्यूम के अंदर आपको सिस्टम में बेस नहीं मिलता, चाहे जितना मर्जी महंगा सिस्टम ले लो। पर मेरे यहाँ फ्लो बीट्स में आपको यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैक डायमंड हो गया, स्मॉल हीरा हो गया, हीरा 1, हीरा 2, हीरा 3 प्रो, हीरा 4 प्रो, सबके अंदर आपको लोअर फ्रीक्वेंसी स्लो वॉल्यूम में बेस बहुत परफेक्ट मिलता है। तो यहाँ एक बार चला लेते हैं हम अपने ब्लैक डायमंड को, जिससे कि आप साउंड को समझ पाए। भाई हेडफोन ईयरफोन लगा लो फॉर बेटर एक्सपीरियंस। Flow beats. Yeah. भाई इसकी यार प्राइसिंग क्या रहने वाली है? 5200 विद कोडलेस माइक। अगर मैं आपको ना बताऊं कि कौन सा सिस्टम चल रहा है, तो आप जज नहीं कर पाओगे कि ये टावर स्पीकर्स प्ले हो रहे हैं। मैं फिर से बोलता हूं ये खासियत है। अब ये ऐसा क्यों है, मतलब इतना छोटा टावर स्पीकर क्यों इतनी बेस दे रहा है? 3 से 4 रीजन बताऊंगा इसके। एक तो इसका एयर एग्जॉस्ट जो है बैक साइड में लगा है, दूसरा 20-50 आईसी ना लगा के 72-94 आईसी लगाया है, या कि नहीं 150 की चीज को मैं नहीं देखता, मैं सीधा जो है हैवी की तरफ जाता हूं। मैं फिर से बोलता हूं, मैं 500-200-100 बंदों को टारगेट नहीं करूंगा, 10 को दूंगा, मगर क्वालिटी दूंगा। और वो 10 जब आगे 10 बंदों को रेफरेंस देंगे, तो मुझे पता लगेगा कि मेरा लेवल क्या है। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है 90 मैग्नेट 6 इंच के अंदर दे रहा हूं, 90 मैग्नेट जहां 10-10 इंच के अंदर मिलती है। तो ये सारी चीजें मिलकर डिफरेंट जो है प्रोडक्ट को बनाती हैं औरों से, और आप लोगों तक जो है मेरी मेहनत पहुंचाती हैं। तो ये था ब्लैक डायमंड। इसके बाद आप चाहते हैं कि थोड़ा और बढ़िया सिस्टम इससे ऊपर जाना चाहें, तो यहाँ आप जो है हमारे स्मॉल एरिया के साथ जा सकते हो। स्मॉल एरिया के अंदर चारकोल डिजाइन के अंदर आपको 2 मिड 2 हाइज मिल जाती है 4-4 इंच के अंदर। इसी के साथ आपको 8-8 इंची 2 सबवूफर मिल जाते हैं 100 मैग्नेट के अंदर। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। कैलिब्रेशन की बात करें तो कोई भी जो है हमसे जीत नहीं सकता कैलिब्रेशन के ऊपर, कोई किसी को पता ही नहीं कि हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किया जाता है, और सॉफ्टवेयर की मदद से आप जो अपने प्रोडक्ट को एक नेक्स्ट लेवल साउंड तक लेके जा सकते हैं। ये एक बहुत ही हिडन जो है चीज है, जो सिर्फ और सिर्फ फ्लो बीट्स के पास है। हमारे पास आपको जो है परफेक्ट नोट्स मिलेंगे, क्रिस्प साउंड मिलेगा, जो कि आपको ब्लैक डायमंड की जगह या ब्लैक डायमंड और यहाँ स्मॉल हीरा मिल जाता है। इसके पास सारे टावर्स में मिल जाता है। इसके अंदर भी 72-94 ड्यूल एम्पलीफायर सबवूफर सर्किट है, 2 चैनल में इसके अंदर जो है सर्किट को चलाया जाता है, जिसमें एक साइड ड्राइवर आपको ऑपरेट होते हैं सबवूफर के, और एक साइड आपको ड्राइवर ऑपरेट होते हैं सामने बीट्स और वोकल्स के लिए। और इसके साथ आपको जो है माइक सपोर्ट है, माइक साथ नहीं है, माइक सिंगिंग कर सकते हैं अपना वायर वाला माइक लगा के। बेस ट्रबल आप कंट्रोल कर पाएंगे 24 इंच हाइट के अंदर, विड्थ इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है आपको ब्लैक डायमंड से, 5800 इसका प्राइस है। इसके साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है जी। मॉडल आगे मेरे पास और भी है, हीरा 1 20 मिल जाएगा, हीरा 2 20 मिल जाएगा, पर मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर अपने जो है हीरा 3 प्रो मैक्स की तरफ। इससे पहले आपको भाई हीरा 3 प्रो आपने सुना, पिछले साल ताबड़तोड़ जो है 45-45, 60-60 दिन की वेटिंग में चला। अब आप भी सोचेंगे यार गाड़ियां तो वेटिंग में थी, पर जो है स्पीकर्स वेटिंग में कब होने लग गए?
मैं जो यकीनी फ्लो बीट्स हम साल में सिर्फ एक टावर एक यकीनी हम मॉडल निकालते हैं, मगर हम जो है मॉडल जब निकालते हैं तो पूरा उसको जो है तय तक उसकी जाते हैं कि उसके अंदर क्या बेस देनी है आपको, क्या साउंड देना है, वोकल्स उसके कैसे होने चाहिए, कितनी हार्ट्स तक वो फ्रिक्वेंसी उसकी परफॉर्म करेगी, और जो है उसकी इंडिपेंडेंट कितना होगा, और इसके साथ साथ डेसीबल का भी बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि घर के अंदर सुनने लायक जो 80 से 90 डेसीबल होते हैं, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और इस बार तो हमने इसके अंदर जो है प्रोग्रामिंग आईसी का भी इस्तेमाल किया, और अपने आप में अकेला सिस्टम एक ऐसा है हीरा 3 प्रो मैक्स और हीरा 4 प्रो जिसको कीलों की मदद से बनाया था, नहीं तो जितने भी टावर स्पीकर सिर्फ और सिर्फ पेस्टिंग के साथ बनाए जाते हैं, मगर मैंने यहाँ पर इसको जो है कीलों के साथ इसी कीलों की सपोर्ट से इसको बनाया ताकि इसके अंदर हमिंग डिस्टोर्शन या फिर कैबिनेट कभी खुले ना, क्योंकि बेस इतना ज्यादा हैवी है, लोस भी बड़े परफेक्ट है इसके अंदर, और एक एक नोट्स आपको क्लियर आएगा, क्योंकि 7.5 इसका जो है एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, बेस जितना मर्जी हैवी बेस बूस्टेड सॉन्ग सुनो कहीं पर बेस ड्रॉप नहीं होगा, लैक नहीं होगा। प्रोग्रामिंग आईसी का इस्तेमाल किया गया है साउंड के लिए इसके अंदर जो है आपको, हमने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। चलिए एक बार इसको प्ले कर लेते हैं हमारे हीरा 3 प्रो मैक्स को। 10-10 इंची 120 जो है इसके अंदर मैग्नेट लगी और 6 इंची 2 मिड रेंज 4 इंची 2 हाई, चलिए प्ले करते हैं। चलो जी। हाँ जी, तो कौन सा प्ले हो रहा है? अल्टीमेट यार, तो मतलब कौन से मॉडल की पावर रहने वाली है ये? हीरा 3 प्रो मैक्स है, हीरा 3 प्रो इससे थोड़ा सा कम था विर्थ में, ये विर्थ में ज्यादा हो चुका है। अच्छा जी। बेस्ट बेस, बेस्ट साउंड, बेस्ट क्वालिटी के साथ आपके सामने हीरा 3 प्रो मैक्स ले आए हैं। TWS फीचर और इसके साथ साथ आपको कोर्डलेस माइक भी मिलता है। इसके बाद सुपर बीस मॉडल यहाँ पर देखिए, हीरा 3 प्रो मैक्स इतना हैवी है तो हीरा 4 प्रो क्या रहने वाला है? सोचो यार, इंडिया के अंदर अभी तक इससे हैवी सिस्टम कोई नहीं लेके आ पाया। इंडिया के सबसे बड़ी हीट सिंक जो है मेरे द्वारा यूज की गई है, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए। और इसके बाद जो है इसके अंदर आपको 10-10 इंची 4 सबवूफर मिलते हैं 135 मैग्नेट के, 9.5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर, 6 इंची 2 मिड और लोअर मिड आपको 4 इंची मिल जाते हैं, यानी अपर और लोअर दो मिड में जो है सिस्टम को डिवाइड किया गया ताकि वोकल की कहीं कमी ना रहे और 4-4 इंची 2 आपको हाइज मिल जाती है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बड़े बड़े आप सिस्टम देखते हैं जो म्यूजिक सिस्टम या डीजे, उनके अंदर कहीं ना कहीं साउंड की क्लैरिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पर यहाँ पर आपको जो है इतना हैवी बेस के साथ साथ आपको सूथिंग साउंड भी मिलता है। मेरी टीम ने 4-6 महीने की मेहनत के साथ जो है इसके साउंड को डिजाइन किया सॉफ्टवेयर और AI टूल की सपोर्ट से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप देखते हैं आज के टाइम पे, इसे सेमी कंडक्टर इसके अंदर यूज है, प्रोग्रामिंग आईसी का भी इस्तेमाल हुआ है और TWS का फीचर तो है ही है, साथ में कोर्डलेस माइक भी आपको दे रहे हैं और सिंगिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर आप। तो चलिए एक बार प्ले करते हैं इसको भी। अल्टीमेट भाई, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है, ये तो सीधा सीने पे लग रही है बेस इसकी। मैं कह रहा हूँ कि घर के अंदर मतलब नामुमकिन है इसको अभी तक जिनके पास भी पहुंचा है, सबने जो है 30-30% पर ही परफॉर्म किया है। आप वीडियोस भी देखते हो, इसके बहुत सारे रिव्यूज भी आ गए हैं, पर सबसे अच्छी बात ये है कि लोज में भी आपको परफेक्ट साउंड देता है, परफेक्ट बेस देता है। एक बार वो भी सुन लेते हैं स्लो के अंदर। ये आपको बेस मिल जाती है, एक बार देखते हैं बाहर इसका क्या रहता है जब ये चलता है, तो बाहर क्या परफॉर्मेंस होती है। तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं, कर दो भैया स्टार्ट। मतलब तो यार ही मेरे को लग रहा है जो दरवाजे के साथ रहे तो बाहर की भी फील आ जाएगी। कैसे?
भाई जो मतलब गाड़ियों में जो बेस होता है यार उससे भी मतलब दुगना ही है, क्योंकि गाड़ियों की बेस तो खाली 5 फुट बाय 7 फुट के जो है गाड़ी के अंदर चलता है, मगर ये तो पूरा 100 गज 150 गज को कवर करता है। सोचिए कितना हैवी सिस्टम को बना के दे रहा हूँ, वो भी मात्र 17,000 रुपए के अंदर। बस सिर्फ एक ही चीज है कि आपको यार 30 से 40 दिन की वेटिंग मिलती है, क्योंकि ये 50 kg और ये 40 kg है, तो इतने ज्यादा नहीं बन पाते हैं, मगर आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है। तो प्लीज अपने फंक्शन से पहले, कोई आपका ओकेजन है, बर्थडे पार्टी, घर के अंदर शादी है, या आपके कोई वहां पर फेस्टिवल है, तो उससे पहले पहले 40 दिन के हिसाब से अपनी बुकिंग करवा लिया करो, 1000 रुपए देके बुकिंग करानी, ताकि आपके टाइम पे आपको जो है प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो भाई मैं तो ये बोलूंगा किसी भाई की जिम विम को ओपन करियो, किसी भाई का मतलब जिम का बिजनेस हो, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, तो भाई ये मंगवा लो, कसम से बता रहा हूँ, कुछ भी कर लो हिला देगा तुम्हारा, ठीक है पूरा जिम। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना भैया, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, भाई के चैनल को बहुत जो है मेहनत करते हैं यार ये लोग, और मेरा भी जो है चैनल है flowbeats.in, जो मेरी वेबसाइट है, मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, और मेरा इंस्टाग्राम है, उसको भी आप जो है शेयर कर लो, फॉलो कर लो, लाइक कर लो, सब कुछ कर लो भाई, जो जो होता है मुझे तो पता नहीं क्या क्या होता है, नई नई चीजें चलती रहती है। ठीक है, तो भाई फ्लो बीट्स के मतलब ये सोशल हैंडल्स है, ठीक है, तो पसंद आई तो